दोस्तों क्या आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको पॉलिस्टर या नायलॉन इनमें से कौन सा मेश इस्तेमाल करना है, तो वीडियो दोस्तों आप पूरा देखिएगा, इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों बेसिकली दो टाइप के मेश इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे आपने मेश के नंबर तो सुने होंगे, बट आज हम लोग ज़्यादा डिस्कस जो करेंगे हम मेश के बारे में करेंगे कि कितने टाइप्स के आते हैं। तो बेसिकली अपने पास दो टाइप्स के आते हैं, एक आता है पॉलिस्टर और एक आता है नायलॉन। ये दो फैब्रिक्स हमें मिलते हैं। आप कभी भी शॉप पे जाएंगे तो आपको पूछा जाता है कि कौन सा आपको लेना है, पॉलिस्टर में आप ले रहे हैं या आप नायलॉन में ले रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप नायलॉन ले रहे हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप पॉलिस्टर ले रहे हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये आपको अभी हम इस वीडियो में, सबसे पहले दोस्तों हम पॉलिस्टर मेश की बात कर लेते हैं। अभी आपको मैं एक रेडीमेड जो पॉलिस्टर मेश है उसे मैं दिखा रहा हूँ, फ्रेम पे ये फिटिंग किया हुआ है। अब दोस्तों ये जो फ्रेम पे फिटिंग किया हुआ है ये टोटली मशीन फिटिंग किया हुआ है। अगर हम इसे चाहेंगे हाथों से खींच के इस पे फिटिंग करना तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खिंचाव देता नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। जैसे अब ये देखिए हमारे पास रॉ फैब्रिक है, इसको हम खींच रहे हैं, तो अब इसे खींचना चाहेंगे ना तो पूरा ये आप इस पे एकदम अच्छे से इसको लगा नहीं पाएंगे। तो इसको लगाने के लिए आपको मशीन फिटिंग यानी मशीन से आपको खींचना पड़ता है, जो मेश स्ट्रेचर टूल आता है वो आपको इस्तेमाल करके इस पे लगाना पड़ता है। इसको लगाने से दोस्तों फ़ायदा एक ये होता है कि समझिए आपके पास 200, 400, 500, 1000 पीस का अगर आपके पास ऑर्डर आता है टी शर्ट प्रिंटिंग का, तो इसमें एक ये बेनिफिट होता है कि ये आपका कलरिंग करते करते ये लूज नहीं होता है, ये चीज़ लूज नहीं होती। आप इसको देखिए, इसमें आवाज़ आएगा, ये इतना हार्ड होता है। हमारा ये नायलॉन फैब्रिक है, इसका क्या होता है, अब ये देखिए ये इतना ईजिली ये पूरा प्रेस हो रहा है, आप देख सकते हैं स्ट्रेचेबल होता है ये फैब्रिक। बट इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से ये बहुत जल्दी ही फट जाता है। बार बार खिसाई इस पर होती है कलर की, बहुत जल्दी ही फट जाता है। और ज़्यादा करके जो भी स्क्रीन प्रिंटर होते हैं जो नायलॉन के ये मेश इस्तेमाल करते हैं, वो कोई भी एक डिज़ाइन अगर हो जाती है उसको निकाल के फेंक देते हैं, नया मेश उस पर लगाते हैं। बट वो चीज़ पॉलिस्टर में नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है और वो लॉन्ग रन में चलने वाला मेश होता है। इसका सिर्फ यही एक आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आपके पास 20-50 तक के टी शर्ट्स आ रहे हैं प्रिंट करने के लिए तो आप इसे ले सकते हैं, इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं है ये 2-3 बार भी काम आ जाता है अगर आप अच्छे से इसे चलाएं, तो इस्तेमाल करिए, अच्छे से प्रिंटिंग इसमें होती है। बट यही है, समय के साथ में ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। अगर आप 500, 600, 1000 पीस का ऑर्डर अगर आपके पास आ रहा है तो जैसे जैसे आपकी प्रिंटिंग होते जाएगी वैसे वैसे थोड़ा सा लूज़ होते जाएगा ये, तो फिर क्या रहेगा आपको, फिर वो जो सेटिंग है, एक अगर मल्टी कलर प्रिंट है तो जो सेटिंग है आपकी एक के ऊपर एक नहीं आ पाती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में टी शर्ट्स प्रिंट कर रहे हैं तो, और कम क्वांटिटी में है तो ज़रूर आप इसको इस्तेमाल करिए, ये बहुत अच्छा होता है, फ्लेक्सिबल होता है कलर, जितना हम आराम से इसको खींचते हैं आराम से कलर नीचे पास आउट हो जाता है इसमें। यही दो मेन डिफरेंस है दोस्तों, हमको इसमें ध्यान रखना है कि हमें जो टी शर्ट्स हम ले रहे हैं, पहली बात हमको ध्यान रखना है मेश हम जो ले रहे हैं, कि हम ज़्यादा करके जो ई कॉमर्स वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक डिज़ाइन उन्होंने बना लिया, बनाने के बाद कलर करके स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद फिर उसे हमें 10 दिन बाद 15 दिन बाद 1 महीने बाद हमको ऑर्डर आ रहा है, तो फिर वो कंडीशन में हम क्या करें। वो कंडीशन में दोस्तों हमको ऐसा है कि फिर आपको चूज़ करना है कि आपको पॉलिस्टर लेना है या आपको नायलॉन में जाना है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें और भी नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, ये मेश के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगली हमारी जो सीरीज आने वाली है दोस्तों, वो आएगी वाटर बेस इंक के ऊपर, या जिसे हम लोकल भाषा में खड़ी प्रिंटिंग भी कहते हैं, और वो आप
जरूर देखिएगा, उसमें बहुत मजेदार हम प्रिंटिंग सीखने वाले हैं, नई नई प्रिंटिंग उसमें सीखने वाले हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।